दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। माँ बनना कोई आसान नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मा इधर देखो ना, मैं कैसा लग रहा हूँ? नन्हे मुन्ने अनिया ने तौलिया ओढ़कर माँ को दिखाने के लिए चौथी बार आवाज लगाई। इस बार सुनकर जया का धैर्य जवाब दे गया और वह उस पर चिल्ला पड़ी, ओफो अनिया क्या है, जरा देर सुख नहीं बैठ सकते इस घर में? तो अपने लिए जरा सा समय निकालना भी आपते। 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बैठे, जैसे तूफान आ गया है भगवान। ये बच्चे कब बड़े होंगे? जया बड़बड़ाते हुए अनिया को मारने के लिए उठी। तभी उसकी सासू माँ कौशल्या जी ने अनिया को पकड़कर अपने पीछे कर लिया और बोली, बहू बच्चा ही तो है, उसमें धैर्य नहीं है, लेकिन तुम तो धैर्य रख सकती हो, ऐसे मारने से क्या होगा माँ? एक तो वैसे भी इसके जन्म के बाद मेरा वजन बढ़ गया है, और जरा सा समय अपने लिए निकालो तो ये महाराज मेरे आगे पीछे ढूंढने लगते हैं। 1 मिनट माँ के बगैर से नहीं है, तंग आ गई मैं तो। इससे भली तो पहले थी, माँ बनने के बाद तो अपने लिए जीना भूल ही जाओ, बस सिर्फ एक माँ बनकर ही रह जाओ। एक औरत के लिए माँ बनना सौभाग्य की बात होती है, उनसे पूछो जो किसी वजह से माँ बनने के लिए तरस रही है, घर वाले और समाज ताने मार कर उनका जीना मुआल कर देता है। माँ शब्द सुनने के लिए उनके कान तरस जाते हैं, तब वह भगवान अनाथली और डॉक्टर की शरण लेते। ये बात तो है, माँ बनना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ सालों तक हमें अपनी आज़ादी को तिलांजलि देनी पड़ती है, सब कुछ उनके हिसाब से करना पड़ता है, उनके हिसाब से सोना जागना खाना पीना सब करना पड़ता है। माँ और बच्चों के बारे में बहुत मशहूर है कि जब भी माँ खाना खाने बैठेगी उसी समय बच्चे को सुसु पोटी आएगी और माँ को अपना खाना छोड़कर उठना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। हम लोगों के समय में तो छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल घर में बंद कर रह जाते थे, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, हर समय गदी लगोटी धोते सुखाते रह जाते थे। ढेरों होने के बावजूद कम पड़ जाती थी, हाथ के हाथ धोते सुखाते रहते थे। सर्दियों बरसात में तो अंगीठी जलाकर या इस्त्री करके सुखाने पड़ते थे, आजकल तो हंगेज ने ये काम आसान कर दिया है, गदी लंगोटी की इतनी जरूरत नहीं रह जाती और माओ को परेशानी नहीं होती, वरना जा सलो झंझट लगता था कि छोटे बच्चे के साथ इतना सामान लेकर जाना पड़ेगा, अपनी मन पसंद को कोई चीज नहीं खा सकते, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना होता था, उसी हिसाब से खाओ पियो। आजकल बच्चों के साथ इतना बंधन नहीं रह गया जितना पहले जमाने में होता था, इसलिए बेटा अपना मात्र तब एंजॉय करो, ये बच्चे कब बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, तब इनका यही बचपन इनकी शरारतें मिस करोगी, तब यही आदि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बनेगी, इसलिए धैर्य रखो। इनके पीछे पीछे दौड़ते भागते कब तुम्हारा वजन मेंटेन हो जाएगा?
पता ही नहीं चलेगा। बच्चे और बंदर एक समान कहे गए, इसलिए जब एक्सरसाइज करने बैठो तो इसे भी साथ ही बैठा लिया करो। ये भी तुम्हें देखकर नकल उतारेगा और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माँ आप सच कह रही हैं, आजकल वाकई पहले की तुलना में। बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना सुख सहन नींद सब गवानी पड़ती, जब तब जाकर एक माँ की जिम्मेदारी पूरी होती है। मुझे लगता है आजकल बच्चे इसलिए इस जिम्मेदारी को लेने बस रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जबकि बच्चे के जन्म के बाद माँ को कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं है तब जाकर एक बच्चे का उचित पालन पोषण होता है और देश को एक अच्छा नागरिक मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें हमारी बातें समझ में आ गई।